சாமிநாதன், எஸ்எஸ்சி ஸ்கூல் லேர்ன்ஸ் பை சி சஜ்ஜன் குருகுல் மணிபுரா. ஹார்ட்லி வெல்கம் யூ டு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். டுடே வி வில் ஸ்டார்ட் த நியூ டாபிக். த டாபிக் இஸ் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினோமினேட்டர். ஓகே, லெட்ஸ் சி நியூமரேட்டர். இன் ஈச் ஃபிராக்ஷன்ஸ் த நம்பர் பிலோ த லைன்ஸ் டெல் அஸ் இன் ஹவு மெனி ஈக்வல்ஸ் பார்ட்ஸ் இட் ஹோல் இஸ் டிவைட். Numerator, we call it is denominator of the fractions. So for example, 5 is the denominator in the fractions 3/5. Numerator and denominator. The example 5 is the denominator in the fractions of 3/5. Example 3/5. This 5 is called denominator. Okay? And if each fraction is the numerals, the above in the lines, lines in the above number, above the lines tell us how many of the equal parts have been taken. We call it numerator of the fractions. That means above line is called a numerator and below line is called denominator. Okay? Let's see the next one example. 6/10. 6 is called numerator and 10 is called denominator. ये वन एक्स
इसको आपने फोल्ड कर लिया, ठीक है, तो इसके टू पार्ट्स हो गए, ठीक है, इसको फोल्ड कर दिया, फिर इसने आपको ओपन कर दिया, ठीक है, तो बीच में जो लाइन है जिसके कारण उसके टू पार्ट्स हो गए, ठीक है, उसका जो टू पार्ट्स होता है वापस उसका आपने फोल्ड किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टू पार्ट्स है, इसका हमने फोल्ड किया वापस, तो फोर पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3 and 4, ओके, अगेन फॉर दिस पेपर, नाउ द पेपर इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड पार्ट्स एंड आउट ऑफ देम टू पार्ट्स आर सेवन, टू पार्ट से इसमें हमने वन पार्ट है वो सेडेड दिखा है, ओके, और जो फोर पार्ट से इसमें हमने टू पार्ट से वो सेडेड दिखा है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, लिख सकते हैं टोटल कितने पार्ट्स है, 1 and 2, ठीक है, इसमें हमने सेवन कितना पार्ट्स किया, 1 पार्ट्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ओके, टोटल पार्ट्स है वो नीचे की साइड लिखेंगे, जो सेकंड पार्ट है वो ऊपर की साइड लिखेंगे, अब इसमें कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3 and 4, टोटल पार्ट्स इज 4, द सेकंड पार्ट्स इज 2, 1 and 2, द आंसर इज 2/4, अब 2/4 है तो 2 का 4 के साथ डिवाइड हम कर सकते हैं, 2 2 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं लिखेंगे, द आंसर इज 1/2, ठीक है, दैट मींस आपने इसका और उसका दोनों का आंसर इक्वल है, ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल हम लेते, एग्जांपल 1 पार्ट से हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक बार से इसमें 4 पार्ट्स हमें सेलेक्ट दिखाए, The total parts is 8 and select parts is 4. इसका वापस हम कट करेंगे 4 2 8, the answer is 1/2. That means ये तीनों में आंसर इक्वल है 1/2. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, क्लियर, आपको जो टोटल पार्ट्स है वो नीचे की साइड लिखना है, जो सेकंड पार्ट्स है ऊपर की साइड लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करते हैं, टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फर्स्ट है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शंस बाय द सेम नंबर अदर देन 0, एग्जांपल 4/ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, फर्स्ट वन मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/7, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट आपको दिए हुए 4/7, आपको ऐसा कोई नंबर लेना है जो अप एंड डाउन दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ वही डिजिट के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एग्जाम्पल मैंने लिया 2, तो मैंने 2 न्यूमरेटर में भी लिखा डेनोमिनेटर में भी लिखा, ठीक है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, इसमें आंसर क्या आएगा, 4 2 8 और 7 2 14, अब इसको हमें कैंसिल आउट करना है एग्जाम्पल, तो दोनों डिजिट में दोनों डिजिट एक ही टेबल में आना चाहिए, इससे आंसर करेंगे, इसका आएगा 4 2 8 एंड 7 2 14, तो ये 2 2 कैसे ना हो जाए, तो वापस आपका आंसर आ जाएगा 4/7, ठीक है, दैट मींस आपको कह रहे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दिस दैट मींस एक फर्स्ट हमने मिला 4/7, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें क्या मिला 8/14, नेक्स्ट कौन सा मिलेगा, दैट मींस यहां पे हमने 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, अब 3 के साथ करेंगे, ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 12 अपॉन 7 3 21, इसका कैंसिल आउट करो तो वापस आपको आंसर मिल जाएगा 4/7, ठीक है, दैट मींस एक ही डिजिट को ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
Numerator and denominator of three sums by the same number other than 0. Example 25 upon 40. ठीक है, तो 25 upon 40 तो दोनों का 5 के साथ डिवाइड करने एक ही टेबल में ये दोनों डिजिट आ रहे हैं चाहिए। तो इसमें क्या है, 5 5 जा 25 और ये आएगा 8 5 जा 40। ठीक है, तो दोनों डिजिट को अगर 5 5 के साथ डिवाइड किया तो 5 5 कैंसिल करना हो जाएगा तो आंसर आएगा 5 हमें। ठीक है, दैट मींस आपको जिस तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया डिवाइड आपको किसी तरह से करना है, ऊपर अप एंड डाउन दोनों में एक ही डिजिट के साथ आपको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है यहां पे मैंने 6 के साथ डिवाइड किया और यहां पे मैंने 7 के टेबल के साथ डिवाइड किया, वो नहीं चलेगा। एक ही टेबल में दोनों एक डिजिट आने से तो ही आप एक साथ दो डिजिट को कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम लेते हैं 36 upon 45। ठीक है, अभी दोनों टेबल 9 के टेबल में आ सकते हैं। 9 4 जा 36, 9 5 जा 40।